इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला न्यूमेरिकल है, व्हाट चार्ज इज डिलीवर्ड इफ, फर्स्ट पार्ट है, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज फॉर ए फॉर 5 सेकेंड, और बी पार्ट है, ए करंट ऑफ 240 mA फ्लोज फॉर 40 सेकेंड। तो यहाँ पर तीन टर्म है, तो यहाँ पर चार्ज है, फिर करंट है, और यहाँ पर टाइम है। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला है उसको अब देखेंगे किसमें फिट हो रहा है। तो आई इक्वल्स टू, हमने डिस्कस किया था, आई इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई टी। तो क्यू है टोटल चार्ज और टी है टाइम। सही है, और इसको फिर क्यू की फॉर्म में ले लेंगे, क्योंकि हमें क्यू निकालना है और बाकी दो चीज़ें गिवन है, करंट और सेकेंड दोनों गिवन है। तो क्यू इक्वल्स टू बना हमारा आई मल्टीप्लाई विद टाइम। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो यूनिट है वो SI यूनिट रखनी है, तो Q रहेगा हमेशा कूलाम में, तो C में, और I हमेशा एम्पियर में लेना है। ठीक है, और टाइम हमेशा सेकंड में लेना है। क्लियर है? तो अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका, ए को, तो ए का जो है करंट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट डालो क्यू इक्वल्स टू, करंट कितना है 5 एम्पियर, ठीक, और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से, और जो यूनिट वाला है उसको भी एक तरफ, तो यूनिट जरूर लिखना है, नहीं तो पता नहीं चलेगा गधे गिने हैं आपने या घोड़े गिने हैं, है ना। तो ए की मल्टीप्लाई करनी है सेकेंड्स के साथ, तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से की तो 25 आया, और ए की मल्टीप्लाई यानी एम्पियर की मल्टीप्लाई सेकंड से की तो बना कूलाम। ठीक है, तो ये आया 25 कूलाम, तो ये आंसर आया। ऐसे ही बी पार्ट में, अब बी पार्ट में देखना है कि जो करंट है वो मिली एम्पियर में है, एम्पियर में नहीं है, तो इसको एम्पियर में लाओ। तो एम्पियर में लाने के लिए क्या करना है, तो आई दिया हुआ है 240 mA, तो इसको कन्वर्ट कर लो, 240 मल्टीप्लाई बाई मिली को लिखते हैं 10^-3, ये एम्पियर हो गया। तो इसका मतलब है 240 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, एम्पियर। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये और ये बना हमारा 0.24 एम्पियर। ठीक है, अब इसको फार्मूला में इसको प्लेस कर देते हैं, तो आंसर आएगा हमारा, अब यहाँ पर Q इक्वल्स टू 0.24, यही फार्मूला है, IA मल्टीप्लाई बाई TS मतलब टाइम, सही है, S तो सेकंड में है, तो मल्टीप्लाई बाई 40, और इधर एम्पियर की मल्टीप्लाई सेकंड के साथ, ये बनेगा कूलाम, और ये आंसर आएगा हमारा 9.6, और इधर कूलाम, तो 9.6 कूलाम, ये आंसर है। ठीक, तो इस तरह इसको सोल्व करना है। अब आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, एक करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए सर्किट फॉर 15 मिनट। तो फाइंड, इसमें मैंने कुछ गड़बड़ की हुई है, इसको सही कर देते हैं। तो चार्ज, इसका दूसरा पार्ट बनाया था, पहले सोच रहा उसमें भी बना लूँ, फिर इनको दोनों पार्ट में कर दिया। ठीक है, चलिए, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अब यहाँ पर करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, चार्ज निकालना है, तो सिंपल ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये अपना आप निकाल सकते हो। तो मिनट को यहाँ पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसका पार्ट ए का, एक पार्ट ए सही, तो पार्ट ए को मैं इसको जो टाइम है सही है वो दिया हुआ है 15 मिनट, और मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये बनेगा 900 सेकेंड। ऑलराइट, अब इसको फार्मूले में इसको प्लेस करेंगे, तो 5 एम्पियर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्यू इक्वल्स टू जो हमारा करंट है वो 5 एम्पियर है,
मल्टीप्लाई बाई 900 सेकेंड, तो ये बना हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 900, और इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यूनिट्स की, ठीक है, सेकेंड की मल्टीप्लाई की, तो बना ये 4500 कूलाम, तो ये है कूलाम, ठीक है। अब उसके बाद बी पार्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। अब इसको पहले समझो क्रॉस सेक्शन है क्या, तो ये कोई वायर है जिसमें वो करंट जो है पास हो रहा है, ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन कहीं से इसको आप कट करो तो ये इसका क्रॉस सेक्शन बनेगा, ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन में कितने जो हैं इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं पर सेकेंड, ये निकालना है। तो पर सेकेंड निकालना है तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, चार्ज, और चार्ज की हम डिवाइड कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है पहले तो चार्ज निकाल लो, तो चार्ज आया 4500, इतने कूलाम आया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, सही है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है, इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10^-19 कूलाम, ठीक है। तो इसको ई लिख लो चाहे इसको आप क्यू लिख लो, इक्वल्स टू क्यू कर देता हूँ, चलो, तो क्यू है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, इतना चार्ज फ्लो हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, सही है, तो एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी कर सकता है, तो इतने चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, तो इस चार्ज को डिवाइड कर दें इलेक्ट्रॉन से, सही है, एक इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना, तो चार्ज ही है हमारे पास, तो यहाँ पर हम इसको तो Q इक्वल्स टू होता है Ne, सही है, या इसको एन क्यू भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर E को Q भी लिखा हुआ है, ठीक है, एन क्यू, तो Q है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q है हमारा टोटल चार्ज, तो अब ये वाला फार्मूला आ गया, तो N निकालना है, तो N है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज है हमारा 4500 कूलाम डिवाइड बाई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो Q डिवाइड बाई स्मॉल क्यू या क्यू डिवाइड बाई आप इसको ई कर सकते हो, ठीक है, तो क्यू हो गया हमारा 4500 कूलाम डिवाइड बाई, और ये क्यू ये हो गया 1.6 × 10^-19, ठीक है, चार्ज दोनों की यूनिट सेम है, इसकी भी कूलाम है इसकी भी कूलाम है, तो कूलाम कूलाम ख़त्म हो गया, आप यहाँ पर नंबर आएंगे, ठीक, तो जो नंबर या काउंटिंग है वो यूनिट लेस होती है, तो 4500 इसको सोल्व कर लेंगे, 4500 मल्टीप्लाई बाई 10^19, सही है, तो इसको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और डिवाइड बाई 1.6, तो ये बनेगा हमारा 4500, और लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको किया था 1/1.6, तो ये आया हमारा 4500 मल्टीप्लाई बाई 0.625, सही है, इसको मैंने 1/1.6 कर दिया, या इसका सीधा सीधा डायरेक्ट कर दो, इसको छोड़ते हैं, इसको सीधा डिवाइड कर देंगे 4500 डिवाइड बाई 1.6, देखो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आपको शायद अलाउ नहीं होगा, तो ये बना हमारा 2.5 × 10^19। अब इसको और साइंटिफिक फॉर्म में लिख लेते हैं, तो पॉइंट आएगा हमारा 1, 2, 3 प्लेस, तो 2.8125 मल्टीप्लाई बाई, तो 10^3 इसमें चला जाएगा, तो 10^19 मल्टीप्लाई बाई 10^3, तो ये हो गया हमारा आंसर 2.8125 मल्टीप्लाई बाई 10^22, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो होंगे, क्लियर है, चलिए, तो पसंद आए इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, ठीक है, चलिए, थैंक यू।